हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन ओडिशा। तेबे दर्शक बंधु, ए वीडियो रे मु आपण मानो पे ने एसी जोटा कि ओएसटीटी रा माने क्लास कंटिन्यू करथुले। सो माने ज्योग्राफी रो क्लास करी सारिचे आउ हिस्ट्री रो क्लास कंटिन्यू करथुले। सो हिस्ट्री रो आपणकर जोटा फास्ट बीट अछि आपण मानकर ग्रेट रूलर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया चैप्टर 1 अछि। देखंतु सेथिरे आ माने थ्योरी क्लास कंटिन्यू करी सारिचे। अशोक, खारवेल, समुद्रगुप्त और हर्षवर्धन एम थ्योरी क्लास सरी जा। तो जदि थ्योरी क्लास देखी ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक अच्छे देखने वे। तो से केमती कौन क्वेश्चन से विषय आम मैंने डिस्कसन करवा। आर ऑलरेडी पार्ट वन सरी जाइए भी चाहिए जदि डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक अच्छे देखिपारे जहाँफल आपको पार्ट टूटा सहज हे। तेज चलत देखा कौन अच्छी आपणकर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन, आट द एज ऑफ डैश खारवेल बिकम द युवराज और क्राउन प्रिंस। केते वर्ष बयस रे खारवेल युवराज होते? 20, 15, 18, 25। केते वर्ष बयस रे ना 15 वर्ष बयस रे। परवर्ती क्वेश्चन को जीवा, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिज डैश ईयर ऑफ लाइफ खारवेल वाज द क्राउन वाज द किंग ऑफ कलिंग। से युवराज होते 15 वर्ष रे, किंतु केते वर्ष बयस रे से किंग ऑफ कलिंग होते? 22 वर्ष, 25 वर्ष, 20 वर्ष, 24 वर्ष। केते 20th से आंसर कौन हम ना 24th ईयर ऑफ हिज लाइफ। 24 वर्ष बयस रे से किंग ऑफ कलिंग होते। नेक्स्ट देखिबा, खारवेल्स फेमस कैपिटल वेंट बाय द नेम ऑफ व्हाट। खारवेल फेमस कैपिटल रो ना कौन थिला? कलिंग थिला कि कलिंग नगर थिला कि कलिंग बिहार थिला कि तोसाली थिला? खारवेल फेमस कैपिटल कौन थिला ना कलिंग नगर थिला, बुझेगा। नेक्स्ट जीवा, किंग डैश वाज रूलिंग ओवर द कृष्णा गोदावरी रीजन एज वेल एज महाराष्ट्र रीजन नेक्स्ट टुवर्ड्स द रिवर कृष्णा। रिवर कृष्णा पाखरे आमर कृष्णा गोदावरी रीजन रे एवं महाराष्ट्र रीजन रे किए एमानक मध्ये रूल करूथिले? सातकर्णी 1, सातकर्णी 2, शिशुपाल, महेंद्र। किए एमानक मध्ये रूल करूथिले ना दैट इज द सातकर्णी 1 जे कि कृष्णा गोदावरी रीजन एवं आज वेल एज ओवर द महाराष्ट्र रीजन रे से रूल करूथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 जीवा, इन द 4th ईयर ऑफ हिज रीजन खारवेल कंसोलिडेटेड हिज पोजिशन इन ए टेरिटोरी नेम्ड व्हाट। 4th ईयर ऑफ तांकर रीजन रे खारवेल तांकर पोजिशन रे को टेरिटोरी मिसेइथिले? सातवाहन, आशीरगढ़, तोसाली, विद्याधर। से कौन करथिले ना ऑप्शन नंबर डी विद्याधर। विद्याधर तांकर टेरिटोरी रे मिसेइथिले 4th ईयर ऑफ हिज रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खारवेल चंपाइंड द कॉज ऑफ। खारवेल आमर को धर्म रे दीक्षित होते? बुद्धिजिम, जैनिजिम, सिखिजिम, निहिजिम। से को धर्म रे दीक्षित होते ना जैनिजिम धर्म रे दीक्षित होते। नेक्स्ट देखिबा, खारवेल विक्ट्री ओवर द डैश इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट कनकर। से तांकर को एरिया ऊपर जो हिक्ट्री करथिले जोटा तांकर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट भाबरे धरा जाए? साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट। कौन हबो ना आंसर हबो नॉर्थ। से नॉर्थ ऊपर जो हिक्ट्री करथिले तांको अचीवमेंट ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट एज द कंकरर बोली निया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, क्वेश्चन नंबर 33, इट वाज इन द 13th ईयर ऑफ हिज रीजन बट खारवेल टुक ऑफ एज द डैश गेन मोनार्क। कौन तांकर 13 ईयर रे से कौन करथिले तांकर रीजन को बढ़ेबा पई? से कौन आमर 13th ईयर रे बेसी से कौन करथिले? हिज एडमिनिस्ट्रेशन, हिज जुडिशियरी पावर, रिलीजियस एक्टिविटीज, हिज पॉलिटिकल एक्टिविटीज। से कौन करथिले तांकर 13th ईयर रे ना आंसर हैला रिलीजियस एक्टिविटीज, ऑप्शन नंबर सी। रिलीजियस एक्टिविटीज उपरे से गुरुत्व देथिले। परवर्ती जुग देखिबा, इन द डैश ईयर ऑफ हिज रीजन खारवेल ओन द क्लाउनिंग गोरी ओवर मगध। से मगध जय करथिले तांकर केते राजत्वर केते वर्षरे? 10th, 13th, 5th, 12th। से राजत्वर केते वर्षरे मगध उपरे जय करथिले ना ऑप्शन नंबर डी 12th ईयर ऑफ हिज रीजन। नेक्स्ट देखिबा, इन हिज फर्स्ट कैंपेन इन नॉर्थ इंडिया
समुद्रगुप्त डिफिटेड थ्री किंग हु वेयर आमर समुद्रगुप्त नॉर्थ इंडिया जो फास्ट जाते से तीनटा राजा जयलाभ करते तीन जन राजा ना कौन गोटे है नागसेना आ गोटे है गणपति गणपति नाग तो आउ जन ना कौन सीटा विचित्र नाग अच्युत नाग दिवाकर नाग कोशल नाग आउ जन ना कौन ना अच्युत नाग। नेक्स्ट देखिवा द नाग किंग अलोंग विथ सम अदर वेयर टोटाली एक्सटर्मिनेटेड इन समुद्रगुप्त डैश कैंपेन इज नॉर्थ नाग किंग आउ अदर किंग कौन है ना टोटल एक्सटर्मिनेटेड होते इन समुद्रगुप्त से जो समुद्रगुप्त कौ कैंपेन होते ना दैट इज द सेकेंड कैंपेन टू द नॉर्थ। नेक्स्ट देखिवा आफ्टर हिज विक्ट्री ओवर थ्री नॉर्दर्न पावर समुद्रगुप्त टुक ऑफ हिज एक्सपेडिशन इन द व्हाट से कौन करते जो नॉर्थ रे जाए कि से तीन जन राजा ऊपर जय करदे से युद्ध अभियान कौ जगह को चलेले चोल पालुक्य चेदी डेकान से तापर कौटे गले ना डेकान एरिया को गले। नेक्स्ट देखिवा इन द कोर्स ऑफ हिज सर्दन कैंपेन समुद्रगुप्त हम्बल्ड एज मेनी एज डैश प्रिंसेस से सर्दन कैंपेन रे समुद्रगुप्त हम्बल्ड 10, 15, 20, 12 से केते प्रिंसेस ना 12 प्रिंसेस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा समुद्रगुप्त अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डैश टुवर्ड्स द सदर्न स्टेट्स एज अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ दिग्विजय ऑफ द नॉर्थ से को पॉलिसी अडॉप्ट करथिले टुवर्ड्स द सदर्न स्टेट्स तांकर जो दिग्विजय नॉर्थ हेला पोरे से को सदर्न स्टेट पे को पॉलिसी अडॉप्ट करले धर्म विजय अहिंसा विजय न्याय विजय शांति विजय से कौन करथिले ना ऑप्शन नंबर ए धर्म विजय पॉलिसी अडॉप्ट करथिले। नेक्स्ट देखिबा समुद्रगुप्त हाविंग डिफिटेड 9 किंग्स ऑफ आर्यभट्ट हाज बीन मेंशन इन से आर्यभट्टर आमर 9 किंग को से डिफिट करथिले से 9 किंग को ना से 9 किंग को जो डिफिट करथिले सेटा कोठी लेखा हैछि हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन जैन गुंफा इंस्क्रिप्शन आल्हाबाद इंस्क्रिप्शन ताम्रलिपि इंस्क्रिप्शन सेटा कोठी लेखा हैछि ना ऑप्शन नंबर सी आल्हाबाद इंस्क्रिप्शन रे लेखा हैछि जे कि समुद्रगुप्त आर्यभट्टर 9 जन किंग को डिफिट करथिले बोली। नेक्स्ट देखिवा सम ऑफ द गोल्ड कॉइन्स ऑफ समुद्रगुप्त सो दैट एम्परर परफॉर्म द अश्वमेध सैक्रिफाइस टू आमर समुद्रगुप्त कर गोल्ड कॉइन रे मेंशन हेची कि समुद्रगुप्त अश्वमेध सैक्रिफाइस बा अश्वमेध यज्ञटा कौन पाई करथिले एस्टाब्लिशमेंट हिज अथॉरिटी गेन फाइनेंशियल बेनिफिट प्रोक्लेम हिज एम्पेरियल पोजिशन रेसिस्ट इनभनसन से अश्वमेध सैक्रिफाइस कौन पाई करथिले ना ऑप्शन नंबर सी प्रोक्लेम हिज इंपेरियल पोजिशन तांकर साम्राज्यवादर स्थिति को बढ़ेबा पई से अश्वमेध सैक्रिफाइस करथिले। नेक्स्ट देखिवा हर्षवर्धन थॉट ऑफ वार्स एंड कॉन्क्वेस्ट एज डैश हर्षवर्धन वार एवं कॉन्क्वेस्ट को कॉन्क्वेस्ट कौन पई करथिले तांकर ऑप्शन ए अछि हिज लॉफ्टी एंबिशन तांकर उच्च अभिलाष थिला द मिशन ऑफ हिज पॉलिटिकल करियर हिज सुप्रीमासी पावर द रियल सिंबल ऑफ हिज ग्रेटनेस हर्षवर्धन कहीं वार करुले ना सीटा ऑप्शन नंबर बी द मिशन ऑफ हिज पॉलिटिकल करियर। नेक्स्ट देखिवा डैश वाज हर्षवर्धन सिस्टर हर्षवर्धन सिस्टर एम किए थे कही एक्सप्लेनेशन क्लास रे सुश्री देवयानी शर्मिष्ठा राज्यश्री किए थे हर्षवर्धन सिस्टर ना ऑप्शन नंबर डी राज्यश्री। ओके नेक्स्ट देखिवा हु वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कोर्ट ऑफ हर्ष हर्षवर्धन कोर्ट रे किए चीफ मिनिस्टर थिले सुसेना मिहिर शशांक भांडी किए थिले ना ऑप्शन नंबर डी भांडी। नेक्स्ट देखिवा हर्ष हाज ए स्ट्रॉंग डैश इन्फैंट्री तांकर केते जण इन्फैंट्री थिले सैन्य 5000 20,000 150,000 केते थिले ना 50,000 तांकर इन्फैंट्री थिले खाली। ओके नेक्स्ट देखिवा 46 इन 620 AD व्हेन हर्ष डायरेक्टेड हिज आर्मीज टुवर्ड्स द साउथ टू कंकर डेकान
ହି ୱାଜ୍ ଚେକ୍ଡ ବାଇ ଦ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଚାଲୁକ୍ୟ କିଙ୍ଗ୍ ହ୍ୱାଟ୍। 620 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ହର୍ଷ ତାଙ୍କର ଡେକାନ ଆଡ଼କୁ ସାଉଥ୍ ଆଡ଼କୁ ତାଙ୍କର ଆର୍ମି ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଚାଲୁକ୍ୟ କିଙ୍ଗ୍ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ? ସୁସେନା, ଶଶାଙ୍କ, ପୁଲକ୍ସେନ୍ ଟୁ ମିହିର, ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଚାଲୁକ୍ୟ କିଙ୍ଗ୍ ଡିଫିଟ୍ କରିଥିଲେ? ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ପୁଲକ୍ସେନ୍ ଟୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 47କୁ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଡ୍ୟୁରିଂ ହର୍ଷସ୍ ରୁଲ୍ ପୁଲକ୍ସେନ୍ ଟୁ କ୍ଲେମ୍ଡ ହିମସେଲ୍ଫ ଆଜ୍ ଦ ପାରାମାଉଣ୍ଟ ଲର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ହ୍ୱାଟ୍? ହର୍ଷଙ୍କ ସମୟରେ ପୁଲକ୍ସେନ୍ ଟୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ସେ କ୍ଲେମ୍ଡ କରୁଥିଲେ କ'ଣ? ନିଜକୁ ନିଜେ ସେ କ୍ଲେମ୍ଡ କରୁଥିଲେ ପାରାମାଉଣ୍ଟ ଲର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଦ ସାଉଥ୍, ଦ ନର୍ଥ, କନୌଜ କି ଗୌଡ଼। ସେ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ପାରାମାଉଣ୍ଟ ଲର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଦ ସାଉଥ। ଓକେ, ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ କହୁଥିଲେ କି ସେ ନିଜେ ହେଲେ ପାରାମାଉଣ୍ଟ ଲର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସାଉଥ, କିନ୍ତୁ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନକୁ କହୁଥିଲେ କି ପାରାମାଉଣ୍ଟ ଲର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ନର୍ଥ। ଓକେ, ଡ୍ୟାସ୍ ୱାଜ୍ ହର୍ଷସ୍ ଓଷ୍ଟ ଫଏ, ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ସବୁଠୁ ଓଷ୍ଟ ଫଏ କିଏ ଥିଲେ? ଶଶାଙ୍କ, ଭାସ୍କର ବର୍ମନ, ଧର୍ମସେନା, ବାଲାଦିତ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ଏଇଟା କୁହାହେଇଛି ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନରେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଶଶାଙ୍କ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ହର୍ଷ ଇନଭାଣ୍ଡେଡ଼ ଡ୍ୟାସ୍ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଅଫ୍ ଶଶାଙ୍କ, ଶଶାଙ୍କର କେଉଁ କ୍ୟାପିଟାଲ୍କୁ ହର୍ଷ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ସିନ୍ଧ, ଭୋଲାବି, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମାଲୱା, ପୁଣ୍ଡ୍ରା। ତେଣୁ ପୁଣ୍ଡ୍ରାକୁ ସେ ହର୍ଷ ଇନଭାଣ୍ଡେଡ଼। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏ ଭିଡ଼ିଓର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଆଣ୍ଡ ଆସାମ ପାସିଂ ଅଣ୍ଡର ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ କାମରୂପ, ଆମର ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଆଉ ଆସାମ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା, କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା? କିଙ୍ଗ ଧ୍ରୁବସେନା ଟୁ ବାଲାଦିତ୍ୟ, ସୁସେନା, ଶଶାଙ୍କ, ଭାସ୍କର ବର୍ମନ। ସେଇଟା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଭାସ୍କର ବର୍ମନଙ୍କ ପାର୍ଟ ଥିଲା ବେଙ୍ଗଲ, ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଆଉ ଆସାମ ଥିଲା। ତେବେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଏଇଠି ଆମର ସରିଯାଇଛି ପାର୍ଟ ଟୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଚାପ୍ଟର ୱାନ୍ର। ତେବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।